हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहित नारायण प्रकाश, और आज हम बीएससी पार्ट वन में फर्स्ट यूनिट में दूसरा एनिमल पढ़ेंगे, जिसकी टाइप स्टडी है दूसरा एनिमल पैरामीशियम कॉर्डेटम, जिसकी टाइप स्टडी है टाइप स्टडी हमें पढ़नी है, जिसमें हमें उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन और एस्क्रीशन, ये सब हमें पढ़ना है। तो आइए आप पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है। आइए हम उसका पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें हमारा फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, सब ऑर्डर पेनिकुलाइना, फैमिली पैरामीशियडी, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज कॉर्डेटम। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम इसके हिस्ट्री पर चलते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। आइए, वे प्रोटोजोआ जो पक्षमावों या सीलिया की सहायता से गति करते हैं, उन्हें हम सीलिएट्स कहते हैं या सीलिएट्स कहलाते हैं, और उन्हें उपसंग सब फाइलम सीलियोफोरा में सम्मिलित किया गया है या रखा गया है। सीलिया की उपस्थिति के अलावा सभी सीलिएट एनिमल यानी केंद्र की द्विरूपता न्यूक्लियर डाइमॉर्फिक शो करते हैं, अर्थात प्रत्येक में दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस होंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। तो बड़े न्यूक्लियस को हम गुरु के हिंदी में गुरु केंद्रक, इंग्लिश में माइक्रो न्यूक्लियस एवं लघु केंद्रक, और इंग्लिश में माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। और इनमें एक अद्वितीय प्रकार की लैंगिक जनन क्रिया संयुक्त कंजुगेशन, हिंदी में उसे संयुग्मन कहते हैं, होती है। पैरामीशियम एक प्रारूपी सीलिएट जीनस है, जिसकी डिफरेंट शेप, साइज और संरचना की लगभग 10 जातियां ज्ञात हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक अपेक्षाकृत बड़ा और सुगठित माइक्रो न्यूक्लियस होता है, जिसके न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन मटेरियल बिखरा हुआ होता है। पैरामीशियम की यह जाति दूर दूर तक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। पैरामीशियम ऑरिलिया में दो लघु केंद्रक या माइक्रो न्यूक्लियस
होते हैं, पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लियटम में बहुत से माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम बर्सेरिया में सहजीवी जूक्लेवरेला एल्गी की प्रेजेंस के कारण यह हरा होता है और निम्न विस्तृत वर्णन पैरामीशियम कॉर्डेटम से संबंधित है जो हमारी डिफरेंस जो है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम को हम पढ़ेंगे या प्राप्ति स्थान। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसमें पहला ग्रीक वर्ड है पैरामेक्स, ठीक है, इसको इसका दूसरा वर्ड तिरछा अगर ओब्लोंग, इसका हिंदी में मीनिंग है तिरछा, और दूसरा वर्ड है जो स्पीसीज है कॉटम, वो हमारा लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना है कॉडेटा, उसका इंग्लिश में दूसरा अर्थ है टेल और हिंदी में उसको हम टेल को पुच्छ के नाम से जानते हैं। तो पैरामीशियम की सामान्य जातियों में से एक है और यह पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये हमारे आसपास के इलाकों में भी पाया जाता है और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत आसानी से मिलता है और हम इसका कल्चर भी कर सकते हैं। एक है जो संसार भर में पाया जाता है, यह अलवणीय यानी जलयुक्त तालाबों, पॉन्ड्स, पोखरों, खाइयों, स्रोतों, नदियों यानी रिवर्स, झीलों, लेक्स आदि में पाया जाता है। यह प्रायः उन जलाशयों में अधिक मिलता है, जलाशयों का मतलब जहां उन जगह पे उन तालाबों या उन नदियों में अधिक मिलता है जिनमें सड़ता हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल काफी मात्रा में सड़ने की स्थिति में होता है वहां पर यह ज्यादा मिलता है, तथा जिसमें जलीय पौधे होते हैं यानी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये वहां पर ज्यादा मिलता है। पैरामीशियम प्रायः जल की सतह के निकट उतराती हुई वस्तुओं पर एकत्र हो जाते हैं, परंतु ये जल में सक्रिय रूप से तैरते हुए अधिक मिलते हैं। पैरामीशियम जो है वाटर की सरफेस पर, सरफेस के निकट उतराती हुई वस्तुओं पर एकत्र हो जाते हैं, यानी कलेक्ट हो जाते, जो थिंग्स हैं ठीक है उन पे कलेक्ट हो जाते हैं और ये वाटर में एक्टिव फॉर्म में स्विमिंग करते हुए मिलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। पैरामीशियम हमें नेचुरल फॉर्म में तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम वो हमें नेचुरल फॉर्म में ना मिले तो हम उसका कल्चर भी कर सकते हैं, और हम उसका कल्चर कैसे करेंगे आइए हम वो भी देखते हैं। कल्चर ऑफ पैरामीशियम, जिसे हम हिंदी में पैरामीशियम का संवर्धन कहते हैं, पैरामीशियम को कांच के ढकनों से ढके चौड़े मुंह के ऐसे जारों में आसानी से कल्चर किया जा सकता है जिनमें 3/4 पार्ट एक पॉन्ड का उबला हुआ वाटर
ये चालकेज मीडियम फिल होता है। अब ठीक है, चालकेज मीडियम क्या होता है, आइए हम वो देखते हैं। जो चालकेज मीडियम होता क्या है, आइए, व्हाट इज चालकेज मीडियम। चालकेज मीडियम हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो चालकेज मीडियम में NaCl 80 मिलीग्राम, NaHCO3 4 मिलीग्राम, पोटेशियम क्लोराइड KCl 4 मिलीग्राम, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड 4 मिलीग्राम तथा CaH4 PO4 का होल ट्वाइस एंड H2O 1.6 मिलीग्राम को 1 लीटर यानी 1 लीटर डिस्टिल वाटर में या आसुत जल में घोलकर बनाया जाता है। यानी उस चालकीय मीडियम है, इतने सारे केमिकल्स को डिस्टिल वाटर 1 लीटर डिस्टिल वाटर में घोलकर बनाया जाता है। और इन जारों में प्रति सप्ताह क्रीम निकले हुए दूध की यानी मिल्क की हम 7 से 12 ड्रॉप डालते रहते हैं। इन जारों में बैक्टीरिया को भली प्रकार से फलने फूलने के लिए इन्हें हम सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश से दूर रखते हैं, क्योंकि इनमें उत्पन्न हुए जीवाणु मल्टीप्लाई करते हैं, करते हुए पैरामीशियम के लिए भोजन का कार्य करते हैं, और इसी प्रकार हम पैरामीशियम का कल्चर कर सकते हैं। यानी हमें अगर पैरामीशियम नेचुरल फॉर्म में ना मिले तब भी हम पैरामीशियम को का कल्चर कर सकते हैं, और पैरामीशियम को हम मिडल लैब में उसको रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज के लिए हमने इतना ही सीखा कि पैरामीशियम का हमने उसमें क्लासिफिकेशन और कहाँ मिलता है और उसका हम कल्चर कैसे कर सकते हैं, ये हमने आज सीखा। और आगे आगे हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।